चला जाएगा ग्लैंड उधर। नहीं वो तो मेरे को पता है कि ग्लैंड है और पफी है, डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी। नहीं कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, शेप अच्छा है। ठीक है सो यहाँ से हम पंचर रोल करेंगे, एक यहाँ से इसके धोइए कंप्लीट फैट और ग्लैंड को। ठीक है सो अभी देखेंगे तो एकदम फ्लैट है, बाकी जगह से बॉडी में फैट नहीं है। हाँ सर मसल्स है, मसल्स है यस, वो उसको टच नहीं करेंगे। देखो ये इतना हमने मार के ये इतना ही करेंगे। ठीक है उसके आगे पीछे इसके इधर नहीं जाएंगे, कंप्लीट फैट। यहाँ पे ग्लैंड और टिश्यू है, इधर काफ़ी बड़ा है, देखिए पॉइंटेड निप्पल हो रहे हैं। तो टी शर्ट वगैरह पहनने में दिक्कत आता था? हाँ टी शर्ट वगैरह। ओके और कितने साल से है ये प्रॉब्लम? ये टीनेज के टाइम से है, 13-14। तो कितना टाइम लगा इसको सर्जरी का डिसाइड करने में? डिसाइड करने में तो टाइम लगा था। क्यों मतलब क्या रीज़न था जिसकी वजह से सर्जरी नहीं करा कर रहे? पेन मतलब कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो पता कैसे चला ये सर्जरी के बारे में? आपको यूट्यूब चैनल से आपको पता चला? अच्छा यूट्यूब देखा आपने, तब आपने समझा ये कैसे होते हैं, फिर आज ये फाइनली आप सर्जरी करा। तो घर में कब बताया आपने? घर में पेरेंट्स को बहुत पहले बता दिया था, लेकिन पेरेंट्स मतलब उस टाइम ज़्यादा नहीं था ये अभी लॉकडाउन की फेज में फैट मेरा ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसके कारण मतलब ज़्यादा बढ़ा। फिर मैंने श्रिंक किया तो वेट लॉस किया, तो अभी ये फिर भी मतलब उन ग्लैंड नहीं जा रहा था, जो ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हुआ, साइज बढ़ा, वो चीज़ हो रही थी। ठीक है तो इसमें मेन ग्लैंड है, सो फैट और ग्लैंड रिमूव कर देंगे, एक नॉर्मल शेप दे देंगे। ठीक है